ये जनजातीय क्षेत्रों में जो सर्दियों में बालन लकड़ी फ्यूल वुड जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के मार्फत सप्लाई किया जाता है, इस बार फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने इसके रेट्स जो है काफ़ी बढ़ा दिए थे। पर कुंटल जो है लोकल लोगों के लिए 1300 रुपये से ऊपर कर दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जनजातीय क्षेत्र में सभी जगह से जो है रिप्रेजेंटेशन आया कि जो है रेट्स जो है बहुत ज़्यादा है और सर्दियां शुरू हो गई है, लकड़ी की डिमांड है। अभी सरकार ने ये फैसला लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि इस बार बेशक हमारे यहाँ भारी आपदा के कारण आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद जनजातीय क्षेत्रों के लिए कांग्रेस की सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। तो ये जो इन्होंने रेट बढ़ाए फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने, सरकार ने ये फैसला किया है कि जो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी है वो अब जो है देंगे इसको फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को, और फ्यूल रेट जो है लोकल से 805 रुपये प्रति क्विंटल जो है जनजातीय क्षेत्रों में चार्ज किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है कदम सरकार का है जिससे हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत भी है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि एक जियो थर्मल को लेकर जो गर्म पानी से हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं, आइसलैंड की एक कंपनी जो है हमारे ज़िला किन्नौर में एक पायलट प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। ये जियो थर्मल के माध्यम से कोल्ड स्टोर का निर्माण करना चाह रहे हैं। इसके विषय में जो है आइसलैंड के हमारे जो एम्बेसडर हैं और जो कंपनी है वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनके जो है एक मीटिंग रखी गई है और उसमें एक MOU साइन किया जाएगा जिसमें किन्नौर में जियो थर्मल से कोल्ड स्टोर बनाने का जो है काम किया जाएगा। इसके होने से जो है हमें एक तो जियो थर्मल का जो जो कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो इसके आपके ये कोल्ड स्टोर के लिए, उससे काफ़ी सस्ते में हम जो है कोल्ड स्टोर्स जिला किन्नौर के अंदर बना सकते हैं। और ये अगर पायलट प्रोजेक्ट हमारा सक्सेसफुल हुआ तो इसको अन्य इलाके जहां हिमाचल में जियो थर्मल की संभावनाएं हैं वहां इसको किया जा सकता है। एक विषय हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लेकर है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है कि हमारे जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं तहसीलदार और नायब तहसीलदार, इनको जो है डिफरेंट स्टेट्स में जहाँ पर रेवेन्यू को लेकर लेटेस्ट जो कोई काम हो रहे हैं उसके एक्सपोजर के लिए इनको हम जो है टूर पे भेजने जा रहे हैं। ये हम दो ग्रुप में जो है तहसीलदार और नायब तहसीलदार को, जैसे उड़ीसा या हमारे दूसरे जो प्रदेश है जहाँ खासकर केरल वगैरह है या वेस्ट बंगाल में जहाँ रेवेन्यू से संबंधित जो नए कोई कार्य हो रहे हैं उसका एक्सपोजर टूर पे हम भेजने जा रहे हैं। सर ये किन्नौर NH5 बंद है नाथपा के पास, लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, सर उसको रिस्टोर करने के लिए किस तरह के संकेत किए गए हैं ताकि वाहनों की आवाजाही? अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से NH5 जो है खासकर जिला किन्नौर के में बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कतें पेश आ रही है। बहुत जगह पे नए पॉइंट्स पे जो है स्लाइड्स हो रहे हैं। पिछले बार अगर आप देखेंगे तो जो निगुलसारी पॉइंट पे जो स्लाइड हुआ उसमें बहुत सारे लोगों की जानें भी गई। उसके बाद अभी इस बार जो है एक फिर पॉइंट निगुलसारी के पास जो है बहुत बड़ा स्लाइड हुआ, 10 दिन लगातार सड़क संपर्क बंद रहा, फिर वो थोड़ा अभी स्टेबलाइज हो गया। उसके बाद आगे एक और नथपा पॉइंट है जहाँ पर 1500 मेगावाट का SJVN का जो हमारा प्रोजेक्ट है हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसका बैराज के ठीक ऊपर जो है स्लाइड हो रहा है, और ये स्लाइड भी लगातार पिछले अब 2-3 हफ्ते से चला हुआ है और अभी 4 दिन में बहुत ज़्यादा हो गया है। अब लगातार जो है अभी बीच में तो हम खोलते रहे और स्लाइड होता रहा, पर 4 दिन से कंटिन्यूस स्लाइड हो रहा है रात दिन, तो इस पर अभी काम करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पर इस पॉइंट को हमने जो है बाईपास करने के लिए हमने एक राइट बैंक से एक बैली ब्रिज लगाकर रोड को जोड़ने का कार्य शुरू किया है, परंतु इसमें भी ये हो गया कि हमारे
ब्रिज के जो पार्ट्स हैं वो कुछ ही वहाँ पहुँच पाए हैं, रोड बंद होने से वो भी उस साइड नहीं पहुँच पाए। तो इधर तो हम कोशिश कर रहे हैं, अगर जैसे अगर एक दो दिन का भी मौका मिल जाता है यहाँ से तो ब्रिज पार्ट्स हम ले जाकर इसको बायपास करेंगे। परंतु जो हमारा न्यूलसारी वाला पॉइंट है या दूसरे पॉइंट्स है, इन सबको भी मिटिगेट करने की ज़रूरत है। और ये जो NH05 है, ये न केवल जिला किन्नौर का लाइफलाइन है, हमारा लाहौल स्पीति का जो स्पीति पूरा डिवीजन है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो बॉर्डर है चाइना के साथ, जिसमें हमारा इम्पोर्टेंट पास है शिपकिला, हमारा फिर उसके साथ कौरिक है, उसके साथ में हमारे छितकुल का एरिया है, निशन का बॉर्डर है, ये बहुत सारे बॉर्डर जो LOCs हैं उधर का, जो सामरिक दृष्टि से जितने भी लॉजिस्टिक है इसी रोड से जाते हैं। अभी हाल में पिछले 2-3 सालों में, अभी इस दीपावली को भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो है दीपावली मनाने कौरिक सेक्टर में गए, ऊपर हेलीकॉप्टर से गए। अगर ये बाय रोड जाते तो उनको पता लगता कि हमारा बॉर्डर कितना वेनरेबल है। अब रोड बंद हो जाएगा, अगर वहाँ पर आकर लॉजिस्टिक्स नहीं पहुँचेंगे तो क्या हाल हो सकते हैं। चाइना के सारे रोड जो है बॉर्डर तक पहुँच गए हैं और उधर उस किस्म की दिक्कत नहीं है जो हमारे यहाँ पर है। हमने ये मामला बार बार उठाया केंद्र सरकार से कि जो ये NH5 है इसको राइट बैंक से एक अल्टरनेट रोड बनाया जाए, जो हमेशा मतलब हमारे लिए एक क्या कहते हैं इमरजेंसी के लिए काम आ सकता है। इसके ऊपर जो है केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है, आर्मी वाले भी ध्यान नहीं दे रही है। आर्मी का इतना हर रोज जो है आर्मी की जो है कॉन्वाई जाती है इसी सड़क पे, और अभी देखेंगे तो रास्ते में आपको आर्मी की कॉन्वाई के दोनों तरफ जो है लंबी कतार जो है लगी हुई मिलेगी। तो इतना स्ट्रेटेजिक होने के बावजूद केंद्र सरकार क्यों इस पर ध्यान नहीं दे रही है, हमारे लिए जो है ये बड़ा चिंता का विषय है। हम तो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमें बजट दो, हमें PWD को दो, हम इसको रात दिन करके मिनिमम टाइम पे जो है हम राइट बैंक से जो है एक अलग अल्टरनेट रोड खोल सकते हैं। सर, जिस तरह से लगातार कटिंग्स हो रही है, अनसाइंटिफिक कटिंग हो रही है, जिस तरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट किन्नौर में बन रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये भी वजह है कि इस तरह के लैंडस्लाइड लगातार जो है किन्नौर में आ रहे हैं? किन्नौर का जो है लैंडस्लाइड्स के कई कारण हैं। कई जगह पर ठीक है कि वहाँ पर टनलिंग के कारण भी हुआ है, कई जगह ऐसे है जहाँ पर कोई टनल का काम नहीं हुआ तब भी लैंडस्लाइड्स हुए हैं। तो कई जगह पे जो रोड वाइडनिंग है अनसाइंटिफिक तरीके से हुआ है, बिल्कुल है। हमारा रोड है का जो कटिंग का काम है NHI का, आप देख लीजिए, चाहे ये जो 4 लेन हमारा जो है परमाणु से शिमला है, कितना अनसाइंटिफिक तरीके से कटिंग हुआ है। अभी ये लोग टोल ले रहे हैं हमारे से, पर रोड तो हमारा अभी भी जो है डबल लेन है, 4 लेन तो है नहीं जी। यूनिवर्सल कार्टन को लेकर कुछ कहें? हाँ, यूनिवर्सल कार्टन इस बार जो है हमने सेब को बाय वेट भेजने का जो निर्णय लिया उसके अच्छे नतीजे भी आए हैं। अब लोगों की फिर डिमांड भी है किसानों की कि एक पैकेजिंग जो है यूनिवर्सल होना चाहिए, कि मतलब पैकेजिंग सभी एक किस्म का हो, जिसमें एक लिमिट से ज़्यादा जो है उपज जो है सेब उसमें या फल उसमें नहीं आना चाहिए। तो इस विषय को लेकर हमने मार्केटिंग बोर्ड के साथ बैठकें की है, और मार्केटिंग बोर्ड जिसके पास हमारा जो है मार्केटिंग का एक्ट है, APMC एक्ट का जो इनके पास, उसमें एक कमेटी का गठन हमने करा दिया है जो ये पैकेजिंग को लेकर किस किस्म का पैकेजिंग होगा, कितने साइज का होगा, ये कमेटी हमें रिपोर्ट देगी, और उसके रिपोर्ट मिलने के बाद हम इसको कानूनन जो है इसमें जो नोटिफिकेशन करके आने वाले सीजन में यूनिवर्सल जो एक पैकेजिंग होगा उसको हम करने जा रहे हैं। अच्छा, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, जो कवायली क्षेत्र में जरूरी सामान होता है क्या भेजे गया है कभी किसी? अब आप देख रहे हैं कि अभी तो सेब का कुछ, अभी थोड़ा बहुत सेब भी बचा है। ये रोड ऐसा है कि आप वहाँ, हमने तो कोशिश रात को भी काम करने का किया है परंतु काम करने दिया नहीं जा रहा है क्योंकि स्लाइड कंटिन्यूस है, तो और कोई जब चारा नहीं है, राशन तो पहुँचाना पड़ेगा जो जो भी है हमारे पास। अभी फ्यूल की दिक्कत पड़ेगी, फ्यूल की दिक्कत हमें सिर्फ लोकल लोगों को नहीं है, सरकारी क्षेत्र में नहीं है, आर्मी का सारा आर्मी का जितना बॉर्डर इलाका है सारा जो है फ्यूल के ऊपर डिपेंड है। इनके जितने भी हीटिंग का सिस्टम है सारा फ्यूल पर है। अगर ये बंद रह गया तो आर्मी के लोग भी और लोकल लोग भी सारे, हमारा जो लकड़ी जाना है वो भी इसी रास्ते जाना है। -20-30 के टेम्परेचर पे लोग हैं,
तो ये बड़ा चिंता का विषय है। केंद्र सरकार हमें जो है इस बारे में ना तो कोई मतलब अभी तक मदद कर रहे हैं। 2 साल से हम कह रहे हैं कि करो कुछ नया, अल्टरनेटिव करो। सरकार के पास क्या प्लान है अगर सेंटर से मदद नहीं मिलती है? जिस तरह से आपने बात किया, हमने एक पॉइंट पे तो हमने काम शुरू कर दिया है, वैकल्पिक हम बना रहे हैं अपने लेवल पर। 180 फुट का जो है ब्रिज लॉन्च करने जा रहे हैं हम, पर उसमें हो गया कि कुछ पार्ट्स पहली तरफ पहुंच गए, कुछ अभी ब्लॉक के इधर है, खुलते ही हम उसको ले जाएंगे। बाकी और जो वेनरेबल पॉइंट्स हैं जगह जगह पे तैयार हो रहे हैं, उनको बाईपास करने के लिए एक लॉन्ग टर्म हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, जिसमें हमें कोई 20-25 किलोमीटर एक्स्ट्रा एक वैकल्पिक रोड बनाने की जरूरत है, उसके ऊपर हमें करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है सर।